Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our first chapter, that is scope of physics. स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायमेंशन. डायमेंशन के लिए आपको सबसे पहले नेम, यूनिट और सिंबल का पता होना लाजमी है. लेंथ, तो लेंथ का यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है कैपिटल एल. मास, मास का यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम का सिंबल होगा कैपिटल एम. टाइम, तो टाइम का यूनिट है सेकेंड और इसका सिंबल होगा कैपिटल टी. ये तीन बेसिक चीजें आपने याद रखनी है. सबसे पहले डायमेंशन को लेकर चलते हैं. एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ यानी लंबाई को मेजर करते हैं हम मीटर में, ब्रेथ यानी चौड़ाई को हम मेजर करते हैं मीटर में. मीटर का सिंबल डाला एल, मीटर का सिंबल डाला एल, इट्स द सेम पावर एड एंड इट बिकम्स एल स्क्वायर. सेकेंड डायमेंशन इज वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. यूनिट्स डालेंगे मीटर, मीटर एंड मीटर. मीटर का सिंबल एल, मीटर का सिंबल एल एंड मीटर का सिंबल एल. बेसिस सेम, पावर एड एंड वी विल गेट एल क्यूब. सिमिलरली वेलोसिटी के लिए जब काम करेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस का यूनिट डाला हमने मीटर, टाइम का यूनिट डाला हमने सेकेंड. मीटर का सिंबल है कैपिटल एल, सेकेंड का सिंबल है कैपिटल टी. टी की पावर है पॉजिटिव वन. जब टी ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होने तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस वन. तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस वन. सेम गोज फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का यूनिट आपने डाला मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट आपने डाला सेकेंड. मीटर पर सेकेंड का यूनिट आपने यहाँ पर डाला एल टी माइनस वन और सेकेंड का सिंबल डाला आपने कैपिटल टी. टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन, माइनस वन विल गेट माइनस टू. एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू. फोर्स के लिए काम करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू एम ए. मास क्या है के जी. एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. के जी का सिंबल डाला कैपिटल एम, मीटर का सिंबल डाला कैपिटल एल और सेकेंड का सिंबल डाला कैपिटल टी. टी का स्क्वायर है इसे ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा टी माइनस टू और फोर्स की डायमेंशन बन जाएगी एम एल टी माइनस टू. सेम गोज फॉर वर्क एंड टॉर्क. टॉर्क के लिए काम करेंगे या वर्क के लिए काम करेंगे फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के फाइनल आंसर आपने निकाला था एम एल टी माइनस टू. आप यहाँ पर उठाकर डाल देंगे. डिस्टेंस का यूनिट डालेंगे मीटर. मीटर का सिंबल होता है कैपिटल एल. L into L will L square और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. पावर के लिए काम करेंगे तो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम. वर्क का यूनिट डाला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, हम ऊपर निकाल चुके हैं. टाइम का यूनिट डाला आपने टाइम पर टी. टी की पावर जब ऊपर जाएगी तो इट बिकम्स टी माइनस टू. ग्रेविटी के लिए काम करेंगे. ग्रेविटी हैज नो फॉर्मूला बट इट हैज अ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर का सिंबल डाला कैपिटल एल, सेकंड का सिंबल डाला टी का स्क्वायर. टी की पावर पॉजिटिव टू है, ऊपर जाएगी तो माइनस टू बन जाएगी. तो ग्रेविटी की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू. काइनेटिक एनर्जी के लिए काम करेंगे. अब यहाँ बात आपने याद रखनी है, जब भी फॉर्मूले में आपको कोई नंबर मिले, नंबर हैज नो डायमेंशन. नंबर हमेशा डायमेंशन की, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती, क्वांटिटीज की होती है. सो यू हैव टू रिमूव, आप निगलेक्ट कर देंगे, आपके पास पीछे फॉर्मूला बचेगा एम बी स्क्वायर. एम क्या है, मास, और बी क्या है वेलोसिटी. मास का यूनिट डाला के जी, वेलोसिटी का यूनिट डाला मीटर पर सेकेंड. क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, सेकेंड के ऊपर भी स्क्वायर आ गया. के जी का सिंबल डाला कैपिटल एम, मीटर का सिंबल डाला कैपिटल एल, सेकेंड का सिंबल डाला कैपिटल टी. टी की पावर पॉजिटिव टू है, ऊपर जाएगी तो माइनस टू बन जाएगी. तो इट बिकम्स एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. एनर्जी चाहे काइनेटिक की हो, एनर्जी चाहे पोटेंशियल हो, एनर्जी का आंसर सेम ही आएगा. पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम करेंगे तो इट्स फॉर्मूला इज एम जी एच. एम स्टैंड फॉर मास, जी इज द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट. मास का यूनिट डाला के जी, मी ग्रेविटी का यूनिट डाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट का यूनिट डाला मीटर. के जी का सिंबल डाला कैपिटल एम, ग्रेविटी को सॉल्व किया तो एल टी माइनस टू और मीटर का सिंबल आ गया कैपिटल एल. एल इन टू एल विल एल स्क्वायर, यू विल गेट फाइनल आंसर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू. सेम गोज फॉर प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का फाइनल आंसर आपने सॉल्व किया हुआ है एम एल टी माइनस टू. एरिया का फाइनल आंसर एल स्क्वायर. एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो आप जब सॉल्व करेंगे
तो एक की पावर है वन और एक की पावर माइनस टू, वन माइनस टू बिकम्स एल की पावर माइनस वन आ जाएगा। ग्रेविटेशनल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। एफ इज द फोर्स, आर इज द डिस्टेंस एंड एम वन एम टू आर द मासेस। एफ की डायमेंशन लगाई हमने एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस की डायमेंशन लगाई एल स्क्वायर और मासेस का सिंबल डाला एम इन टू एम। प्रॉपरली सिंप्लीफाई करेंगे एम स्क्वायर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो एम से कैंसिल हो जाएगा, एम माइनस वन बचेगा एंड यू विल गेट एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए काम करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। स्पीड यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी करेंगे मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड, यानी एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल टी माइनस वन सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट वन। तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशन लेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन नहीं होती। वेट के लिए काम करेंगे तो वेट का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी, मास का यूनिट डाला के जी, ग्रेविटी का यूनिट डाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी का सिंबल है कैपिटल एम, ग्रेविटी का यूनिट है एल टी माइनस टू, मर्ज करके लिखेंगे तो वी विल गेट एम एल टी माइनस टू। मोमेंटम के लिए काम करेंगे, मोमेंटम हैज फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मास यानी के जी, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, के जी का सिंबल डाला कैपिटल एम, वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस वन, सॉल्व करेंगे यू विल गेट फाइनल आंसर एम एल टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम के लिए काम करेंगे, वी नो द फॉर्मूला डिस्टेंस इंटू मोमेंटम, मोमेंटम का फाइनल आंसर हमने यहाँ डाल दिया एम एल टी माइनस वन और डिस्टेंस यानी लेंथ, सॉल्व करेंगे एल 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 स्क्वायर, वी गेट द फाइनल आंसर एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वन अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर वी गेट माइनस, सेकेंड का सिंबल होता है कैपिटल टी एंड वी गेट फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन टी माइनस वन। सेम गोज फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन वेवलेंथ क्योंकि लेंथ है, लेंथ को यूनिट तो मेजर करते हैं मीटर, तो मीटर का सिंबल हो गया कैपिटल एल, तो वेवलेंथ की डायमेंशन हो गई कैपिटल एल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए काम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स अपॉन सिक्स बाय आर वी, सिक्स और पाई चूंकि एक नंबर है तो हम इस नंबर को निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला बचेगा एफ ओवर आर वी। फोर्स की डायमेंशन डाली एम एल टी माइनस टू, आर डिस्टेंस का डायमेंशन डाला मीटर, वेलोसिटी की डायमेंशन डाली मीटर पर सेकेंड, सॉल्व करेंगे मीटर का सिंबल कैपिटल एल, मीटर का सिंबल कैपिटल एल, सेकेंड का सिंबल टी माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स एल माइनस वन, एम एल माइनस वन, टी माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के आंसर आ जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम ओके। प्रूफ वाली डायमेंशन के लिए आपके पास सवाल आते हैं कि प्रूफ कर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। सबसे पहली डायमेंशन है डायमेंशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, प्रूफ करना है हमें ये फार्मूला। एज वी नो दैट टू पाई इज द नंबर, टू पाई को निगलेक्ट कर देंगे, फार्मूला बचेगा एल ओवर जी, एल यानी लेंथ हमने लिख दिया, मीटर ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो वी गेट वन एंड वन सिर्फ नीचे डिवाइड में रह गया सेकेंड स्क्वायर, तो हमने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड के को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस टू, फिर इसे हम एक स्टेप और ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर अगेन हो जाएगी प्लस टू, यानी सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट, सेकेंड का सिंबल डाला हमने टी, तो वी गेट टी यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दूसरे के बराबर आ गए। सेम एज इट इज हम टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए करेंगे। टू पाई का फॉर्म हमें पता है नंबर है, टू पाई को निगलेक्ट कर देंगे, पीछे बचेगा मास अपॉन के, मास हमने डाल दिया के के जी, और यहाँ पे के का यानी हमारे पास हुक्स कांस्टेंट की डायमेंशन होती है एम जी माइनस टू, के जी का सिंबल डाला आपने कैपिटल एम, एम से एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, पी की पावर माइनस टू है, जब वो ऊपर जाएगी तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर जब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो वी गेट टी यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। थिन लेंस फॉर्मूले के लिए काम करेंगे, फॉर्मूला होता है वन ओवर एफ, वन ओवर पी, वन ओवर क्यू, एफ इज द फोकल लेंथ, पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू इज द इमेज डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंसेज हैं तो हमने मीटर 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 लगा दिया, मीटर का सिंबल एल, एल और एल लगा दिया, इनवर्स कर देंगे तो बिकम्स एल माइनस वन, एल माइनस वन, एल माइनस वन, दोनों सेम है तो एड अप करेंगे तो बिकम्स टू एल माइनस वन, एल माइनस वन, एल माइनस वन, वी गेट द सेम वैल्यू, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए काम करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है vf equals to vi plus at मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर टाइम सेकंड. मीटर पर सेकंड यानी l over t, मीटर पर सेकंड यानी l over t, सेकंड मीटर पर सेकंड यानी l over t, t स्क्वायर. t से t कैंसिल हो जाएगा तो एक t बच जाएगा हमारे पास. इसको एड अप करेंगे तो बनेगा 12 ओवर 3. 2 को निगलेक्ट कर दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए करेंगे s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ एक नंबर है, हाफ को निगलेक्ट कर दिया. हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट मीटर, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी सेकंड का स्क्वायर. सिंबल्स डाल दिए हमने, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, सिंपल टी से सिंपल टी कैंसिल. वी गेट एल प्लस एल, एड अप करेंगे तो वी गेट टू एल और हमारे पास टू निगलेक्ट हो जाएगा तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए काम करेंगे, टू इज द नंबर, टू को निगलेक्ट करेंगे. एक्सेलरेशन का यूनिट डाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट डाला मीटर, वेलोसिटी का यूनिट डाला मीटर पर सेकंड क्योंकि वेलोसिटी का होल स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर. मीटर मीटर एल स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का सिंबल टी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम स्क्वायर, स्क्वायर पुट करेंगे एल स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर. एलसीएम ले लीजिए, टी स्क्वायर इज द एलसीएम, पर आएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. वी गेट जीरो एल स्क्वायर, जीरो इज द नंबर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई. Another most important v equals to f lambda. V is the velocity, f is the frequency, lambda is the wavelength. Velocity yani lt minus 1, frequency yani second inverse, wavelength yani meter. T yani t minus 1, meter ka symbol l. Solve karenge to hence left hand side, right hand side ke barabar aa gayi. Isi tarike se hum Newton's law of gravitation ko bhi solve karenge. Force ka unit dala apne mlt minus 2. ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आप सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, आपने उसका फाइनल आंसर डाला. मासेस आपने पुट किए एम और एम और डिस्टेंस का डाला एल स्क्वायर. प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर से एक एल क्यूब कैंसिल होगा, एक एल बच गया, मीटर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया. एक पावर है टू और एक की पावर है माइनस वन. यू विल गेट सॉल्व एम एल टी माइनस टू, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड.